हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में कमजोरी है या पेन होता है, अर्थराइटिस का पेन होता है, जॉइंट्स पेन होती है, तो इन सभी पर्पजों में काफ़ी जाना माना, काफ़ी बिकने वाला और काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है जो कि सिपकल 500 के नाम से काफ़ी जानी मानी है, काफ़ी मशहूर दवाई है। हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन को। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सिपकल टैबलेट के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या क्या यूज़ है और आप इसे यूज करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसकी क्या डोज होनी चाहिए और यह किसको नहीं लेनी चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सिपकल टैबलेट, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर 15 गोली की पैकिंग में आपको मिल जाती है, 70 रुपीज़ की प्राइस में आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर हम बात करें कौन से कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है, तो यह सिप्ला कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है जो कि काफ़ी जानी मानी कंपनी है इंडिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिपकल में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशनों का क्या क्या फ़ायदा है, तो इसमें दो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन D3, जो कि दोनों की एब्जॉर्प्शन दोनों को मिलने के कारण हड्डियों बोन्स का विकास होता है, बोन्स से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं। ये दोनों ही सॉल्ट दोनों एक होकर एब्जॉर्प्शन के बाद आपकी बोन्स को हेल्दी बनाने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से पर्पज़ में आपके लिए फायदेमंद होगा, तो जैसे कि हड्डियों की कमजोरी होने के कारण काफ़ी सारी शरीर में पेन होने लगते हैं, कमर में दर्द होना या कमर का कमजोर होना या रिब्स में पेन होना, के अलावा अर्थराइटिस का पेन, जॉइंट्स का पेन, इन सभी पर्पज़ों में काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यह खासकर बुजुर्गों के लिए काफ़ी यूजफुल है, जो इनके हड्डियों में कमरों में दर्द होता है, उन सभी पर्पज़ में काफ़ी फायदेमंद है। तो यह था इसके फायदे के बारे में। अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसको दिन में एक ही बार लेना चाहिए, वो भी रात को सोते वक्त गुनगुने दूध के साथ। इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसको नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं, स्टोन है आपके गॉल ब्लैडर में, तो आप इस मेडिसिन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अगर हम बात करें इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स जैसे कि इसको आप लंबे समय तक ले भी नहीं सकते हैं, आप इसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 1 महीना तक ही इस्तेमाल करें, आप 4 से 8 वीक ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे लंबे समय तक आप इसे इस्तेमाल ना करें। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स, तो इसके अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तब आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं तो अगर नॉर्मली अगर लेने के बाद तुरंत आपको गैस होती है, कब्ज होता है, सर में दर्द होती है, तो इस तरीके से आपको सूट नहीं कर रहा है और आपको ये नहीं लेनी चाहिए और लेने से पहले एक बार डॉक्टर फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। वैसे बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छी दवाई है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था सिपकल 500 टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।